नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्शी। ब्रेकिंग न्यूज़, बारादरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसपी सिटी के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीती 29 तारीख को दिया था अंजाम पुलिस ने। लूट का माल किया बरामद। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कई जिंदा कारतूस किए बरामद। पकड़े गए अभियुक्तों का काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। बरेली से अर्शी खान की खास रिपोर्ट। क्या था पूरा मामला, किस तरह सफलता मिली पुलिस को? दिनांक 16/9/2021 को मोहल्ला शाहदाना थाना बारादरी के अंतर्गत में रात्रि के लगभग 10:30 बजे 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में वादी के तहरीर पर थाना बारादरी पे 392 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और इस घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगा दी गई थी। टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा था। आज शाहदाना रेलवे ग्राउंड के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग चोरी का योजना बना रहे थे। उनके कब्जे से हमें अवैध असलहे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उनसे जब गहन पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बात स्वीकार किया गया कि थाना बारादरी के अंतर्गत में जो 392 IPC शाहदाना मोहल्ला में जो घटना हुई थी उन्होंने कारित की थी। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हमने जो लूटपाट की थी उसका जो माल जो है हमने एक व्यक्ति को बेचा है, उस व्यक्ति को भी हमने हिरासत में ले लिया है, उससे भी पूछताछ हम जारी है। इसके बाद ये जो 3 लोग जो हमें बरामद हुए पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की गई कि और कौन लोग इसमें शामिल है, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति है जो शमशेर है, थाना इज्जत नगर क्षेत्र का रहने वाला है, वो भी हमारे साथ था। उसी गिरफ्तारी के लिए भी हम टीमें लगा दी, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर, इस घटना के सूत्र कहाँ से जुड़ते हैं? इसमें जो एक व्यक्ति हैं इशरत उर्फ बबलू, ये व्यक्ति जो वादी राशिद हैं, इनके पिताजी की कार चलाते थे। आज से लगभग 4 महीने पहले इन्होंने लगभग 3 महीने तक इनकी ड्राइवरी करी और चूंकि ये उनके ड्राइवर थे तो आसपास के पूरे मोहल्ले की भौगोलिक स्थिति, परिवार की स्थिति और ये जो व्यक्ति वादी हैं कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे दुकान बंद करते हैं और उस मोहल्ले में कौन सी रोड कहाँ जाती है, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं, इत्यादि सबकी जानकारी थी। तो इस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को कारित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया और अन्य व्यक्तियों के साथ जो इसके वादी हैं, अन्य व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त हैं, इसके पड़ोसी हैं, उन सभी ने मिलकर इस घटना को कारित किया।